यहाँ पर हम बात करने वाले हैं किस तरह से पोको F1 डिवाइस के ऊपर MIUI 14.0.6.0 का जो लेटेस्ट पोको एस का जो बिल्ड है उसे किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले आपके डिवाइस के ऊपर जो है कस्टम रिकवरी इंस्टॉल होना चाहिए। यहाँ पर हम TWRP रिकवरी के साथ जो है MIUI 14 पोको एस का जो बिल्ड है उसे इंस्टॉल करने वाले है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस रॉम का डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके इस रॉम को डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर जो है कस्टम रिकवरी बूट होने के बाद जो है यहाँ पर बैकअप में जाके सभी ऑप्शन को सिलेक्ट करके करंट रॉम का बैकअप क्रिएट करना होगा। बाद में अगर आप चाहो तो रीस्टोर भी कर सकते हो। बैकअप क्रिएट करने के बाद सिंपली बैक आके यहाँ पर वाइप में जाके एडवांस वाइप में जाके डेल्विक डेटा कैशे ये तीन ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। ये तीन ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद जो है स्वाइप करके वाइप कर देना होगा। वाइप होने में कुछ ही सेकंड टाइम लगेगा। वाइप होने के बाद जो सिंपली बैक आके फिर से बैक आके इंस्टॉल में जाना होगा। इंस्टॉल में जाने के बाद जिस भी फोल्डर में अपने MIUI 14 पोको एस को डाउनलोड किया है उस फोल्डर में जाके रॉम को सिलेक्ट करना होगा। रॉम को सिलेक्ट करने के बाद जो स्वाइप करके फ्लश कर देना होगा। विद इन 5 मिनट एज रॉम में पोको F1 डिवाइस के ऊपर फ्लैश हो जाएगा। इस रॉम के साथ जो है बाई डिफॉल्ट GApps अवेलेबल है, इसलिए आपको अलग से प्ले स्टोर को इंस्टॉल नहीं करना होगा। देखिए पढ़ो यहाँ पर एज बिल्डर्स तो MIUI 14.0.6.0 का बिल्ड है पोको एस की तरफ से पोको F1 डिवाइस के लिए। तो यहाँ पर रॉम फ्लैश होने के बाद जो है सिंपली बैक आके यहाँ पर फिर से बैक आके रिबूट में टैप करना होगा, उसके बाद सिस्टम में टैप करना होगा। नाउ अगर आपके डिवाइस के ऊपर ये जो रॉम है अगर बूट नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना होगा, सिंपली जो पावर बटन है पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पर जो है फोर्स रिबूट करना होगा। तो यहाँ पर अगर आपके डिवाइस के ऊपर बूट लूप का इश्यू देने को मिल रहा है तो आपको सिंपली फोर्स रिबूट करना होगा, पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करना होगा, उसके बाद आपको जो डिवाइस फिर से रिबूट हो जाएगा। उस तरह से आप जो है ये जो इश्यू है इसे फिक्स कर सकते हो। कुछ इस तरह से आप जो है MIUI 14 पोको एस को इंस्टॉल कर पाओगे पोको F1 डिवाइस के ऊपर। नंबर बात कर लेते हैं फीचर्स के बारे में, क्या क्या नया फीचर्स को ऐड किया गया है इस अपडेट के साथ। पहली दफा रॉम फ्लैश करने के बाद जो है विद इन 5 मिनट आपके डिवाइस के ऊपर एज रॉम में बूट हो जाएगा। रॉम बूट होने के बाद आपको सिंपली रॉम को जो है सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो हमने यहाँ पर पोको F1 डिवाइस के ऊपर MIUI 14.0.6.0 पोको एस का जो बिल्ड है इंस्टॉल किया है। एंड एज रॉम एस तो एंड्रॉयड 13 के साथ अवेलेबल है। तो यहाँ पर MIUI 14 के साथ जो है एंड्रॉयड 13 का एक्सपीरियंस देने को मिलेगा पोको F1 डिवाइस के ऊपर। एंड अगर बात करें यहाँ पर जो कर्नल के बारे में, ZenOS कर्नल के साथ जो बिल्ड है अवेलेबल है, जिसमें आपको जो है बढ़िया जो है गेमिंग परफॉर्मेंस देने को मिल जाएगा विदाउट हिटिंग। अगर बात करें यहाँ पर सिक्योरिटी पैच अपडेट के बारे में, यहाँ पर इस रॉम के साथ जो लेटेस्ट अप्रैल का जो सिक्योरिटी पैच अपडेट है ऐड किया गया है। एंड ओवरऑल जो है काफी बढ़िया आपको यहाँ पर जो है गेमिंग परफॉर्मेंस देने को मिल जाएगा। एंड MIUI 14 के साथ जो है आपको बढ़िया जो है ओवरऑल स्मूथ एंड स्टेबल एक्सपीरियंस देने को मिलता है। यहाँ पर MIUI डायलर एप्लीकेशन को ऐड किया गया है। यहाँ पर जो है कॉलर रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, विदाउट अनाउंसमेंट आप जो है कॉलर रिकॉर्डिंग कर पाओगे। प्लस प्ले स्टोर को भी ऐड किया गया है। यहाँ पर MIUI कैमरा एप्लीकेशन भी अवेलेबल है। यहाँ पर जो है इस तरह से HDR मोड का ऑप्शन है। यहाँ पर AI का जो ऑप्शन है अवेलेबल है, AI कैमरा का ऑप्शन है, डायनेमिक शॉट्स का ऑप्शन है। प्लस यहाँ पर जो है वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर बात करें, पर जो वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ जो है 4K 60fps का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। पर प्रो मोड का जो ऑप्शन है फोटो वीडियो दोनों के साथ काम कर जाएगा। वाइड बैलेंस फोकस SATAR ISO EV ये सभी ऑप्शन भी अवेलेबल है। यहाँ पर प्रो मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन से पोर्ट्रेट मोड के साथ जो है AI कैमरा का ऑप्शन है, नाइट मोड का ऑप्शन है। यहाँ पर जो है व्लॉग प्लस डुअल वीडियो टाइम लैप्स स्लो मोशन इस तरह से शॉर्ट वीडियो का जो ऑप्शन है अवेलेबल है। यहाँ पर MIUI कैमरा एप्लीकेशन जो है काम कर जाएगा। MIUI 14 का जो विजेट्स का जो सपोर्ट है ऐड किया गया है। यहाँ पर जो एनलार्ज फोल्डर व्यू का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा इसे भी ऐड किया गया है। नया वाला जो यहाँ पर सुपर आइकन का जो ऑप्शन है अवेलेबल है। एंड कुछ इस तरह से जो है कंट्रोल सेंटर को ऐड किया गया है। एंड अलग अलग जो विजेट्स का जो ऑप्शन है अवेलेबल है इस बिल्ड के साथ। एंड ये जो बिल्ड है तो इन्फोर्सिंग वाला बिल्ड है, प्लस जो रीडिंग मोड है उसे भी फिक्स किया गया है। एंड यहाँ पर सभी जो सिस्टम एप्लीकेशन से लेटेस्ट वर्जन में अपडेट किया गया है। एंड अगर बात करें पर जो है सेटिंग्स मेनू के साथ जो कुछ कस्टमाइजेशन ऑप्शंस भी अवेलेबल है। यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन हिस्ट्री का जो ऑप्शन है अवेलेबल है। प्लस डिफॉल्ट एप्स का ऑप्शन है, कैमरा का थीम को सिलेक्ट कर पाओगे, एक्स्ट्रा डिम का जो ऑप्शन है अवेलेबल है। एंड यहाँ से
जो है फ्लोटिंग नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन का ऑप्शन इसमें ऐड किया गया है, प्लस फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन है। एंड यहाँ पर फ्लोटिंग विंडो के साथ साथ जो सेकेंड स्पेस का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। तो इस तरह से ये सभी जो कस्टमाइजेशन ऑप्शन जो है अवेलेबल है इस बिल्ड के साथ, पोको एस के साथ। नेक्स्ट यहाँ पर जो वाईफाई, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, मोबाइल डेटा, ऑलमोस्ट सभी जो ऑप्शन काम कर जाएगा। यहाँ पर हमने इस रॉम के साथ जो कुछ बेंचमार्किंग एप्लीकेशन से उसे रन किया था। यहाँ पर जो है 3D मार्क के साथ जो वाइल्ड लाइफ के ऊपर 1976 का जो है स्कोर देने को मिल गया है पोको F1 डिवाइस के साथ। 3D मार्क के साथ जो है वाइल्ड लाइफ के साथ कुछ इस तरह से स्कोर देने को मिलता है। अगर बात करें पर जो गीकबेंच 5 के साथ जो है सिंगल कोर के साथ जो है 507, मल्टी कोर के साथ जो है 1991 का स्कोर है गीकबेंच 5.5.1 के साथ एंड्रॉइड 13 के साथ। यहाँ पर जो सिंगल कोर प्लस मल्टी कोर दोनों के साथ जो काफी बढ़िया जो है परफॉर्मेंस देने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो ZenOS कर्नल के साथ जो काफी बढ़िया जो है गेमिंग परफॉर्मेंस देने को मिलेगा। यहाँ पर जो सिंगल कोर का जो स्कोर है एवरेज से ज्यादा है, प्लस मल्टी कोर का जो स्कोर है एवरेज से ज्यादा है। तो यहाँ पर जो सिंगल कोर प्लस मल्टी कोर के साथ जो है एवरेज से ज्यादा जो है स्कोर देने को मिल गया है। अगर बात करें पर सेफ्टी नेट के बारे में, यहाँ पर बाई डिफॉल्ट विदाउट मैजिक्स विदाउट रूट सेफ्टीनेट जो है पास हो जाएगा, मतलब गूगल पे फोन पे इस तरह के जो एप्लीकेशन से बाय डिफॉल्ट काम करेगा। यहाँ पर इस फॉर्म के साथ जो बाय डिफॉल्ट सेफ्टीनेट जो है पास हो जाएगा। अगर बात करें पर जो CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट के बारे में, लगभग 5 मिनट के लिए ये जो टेस्ट है हमने रन किया था, मैक्स गया है 210, एवरेज 198, मिनिमम है 173। यहाँ पर 91% का जो है CPU थ्रॉटल देने को मिल गया है, मैक्स CPU गया है 2.80 GHz तक। तो जैसे आपको मैंने बताया ZenOS कर्नल के साथ जो परफॉर्मेंस है काफी बढ़िया है, यहाँ पर कोई भी हीटिंग इश्यू देने को नहीं मिलेगा, प्लस CPU थ्रॉटलिंग हो जाए, गीकबेंच 5 हो जाए, एंड यहाँ पर 3D मार्क के साथ भी काफी बढ़िया जो है परफॉर्मेंस देने को मिलता है। एंड यहाँ पर जो रैम मैनेजमेंट है, ऐप ओपनिंग एनिमेशन है, काफी स्मूथ एंड स्टेबल एक्सपीरियंस देने को मिल जाएगा MIUI 14 के साथ। एंड यहाँ पर इस रॉम के साथ जो थीम्स को इम्पोर्ट करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, अगर आप चाहो तो यहाँ से जो है थीम्स को इम्पोर्ट भी कर पाओगे। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर जो है MIUI 14 के साथ जो है यहाँ पर जो सिस्टम एप्लीकेशन है उसे डिसेबल करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। यहाँ से आप जो सिस्टम एप्लीकेशन को डिसेबल कर पाओगे, इसे भी ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर जो है सेटिंग्स मेनू के ऊपर जो इस तरह से UI देने को मिलता है, यहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स का ऑप्शन है। यहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स के ऊपर जो है यहाँ पर मेमोरी एक्सटेंशन का ऑप्शन है, 1GB, 2GB, 3GB तक जो वर्चुअल रैम को जो इंक्रीज कर पाओगे, इसे भी ऐड किया गया है। पर वर्चुअल रैम का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, प्लस यहाँ पर फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन है, क्लियर स्पीकर का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद स्पीकर में जो भी डस्ट रहेगा ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगा। यहाँ पर 100 मोड का ऑप्शन है, एक्स्ट्रा शॉर्टकट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। अगर बात करें पर जो बैटरी के साथ सेफ बैटरी परफॉर्मेंस मोड का ऑप्शन है, यहाँ पर बैटरी टेम्परेचर का ऑप्शन है, शेड्यूल पावर ऑन ऑफ का जो ऑप्शन है अवेलेबल है। अगर बात करें पर बैटरी बैकअप के बारे में, तो लगभग 6 आवर से 7 आवर के आसपास जो है बैटरी बैकअप देने को मिलेगा। एंड यहाँ पर जो बैटरी बैकअप है डिपेंड करता है आप कौन कौन से एप्लीकेशन यूज करते हो। MIUI 14 के साथ पोको एस के साथ जो है बढ़िया बैटरी बैकअप देने को मिल जाएगा। यहाँ पर फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट सेंसर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। अगर बात करें पर फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में, सिंपली टैप किया ओपन हो गया, वंस अगेन टैप किया ओपन हो गया, पर जो है फिंगरप्रिंट सेंसर काम कर जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर जो फेस अनलॉक के बारे में, यहाँ पर जो फेस अनलॉक भी काम कर रहा है, काफी फास्ट आपका जो डिवाइस है अनलॉक हो जाएगा। यहाँ पर फेस अनलॉक प्लस फिंगरप्रिंट सेंसर का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, इसमें ऐड किया गया है। एंड पोको इसके साथ आपको जो है प्योर MIUI 14 का जो है एक्सपीरियंस देने को मिलेगा। यहाँ पर एनिमेशन स्पीड का ऑप्शन है, पर गेस्चर्स का ऑप्शन है, बटन्स का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, प्लस यहाँ पर होम स्क्रीन लेआउट का ऑप्शन है, आइकन का ऑप्शन है, हाइट ऐप आइकन का ऑप्शन है, लॉक होम स्क्रीन लेआउट का ऑप्शन है, प्लस यहाँ पर जो ग्लोबल आइकन एनिमेशन का जो ऑप्शन है अवेलेबल है। यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन के ऊपर जो है साउंड असिस्टेंट का ऑप्शन है, मल्टीपल ऑडियो सोर्स का ऑप्शन है, साइलेंस मोड, डू नॉट डिस्टर्ब मोड को ऐड किया गया है। साउंड इफेक्ट के ऊपर जो है इक्वलाइजर का जो ऑप्शन है अवेलेबल है। यहाँ पर डिस्प्ले के साथ जो है मैक्सिमम ब्राइटनेस, लो ब्राइटनेस के साथ कोई भी इशू नहीं है। रीडिंग मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। यहाँ पर लॉक स्क्रीन के साथ जो राइज टू वेकअप का ऑप्शन है, डबल टैप टू वेकअप का ऑप्शन है। यहाँ पर डिस्प्ले चार्जिंग एनिमेशन आफ्टर डिवाइसेस अनलॉक का ऑप्शन है, डिफरेंट डिफरेंट चार्जिंग एनिमेशन को सिलेक्ट कर पाओगे। लॉन्च कैमरा का ऑप्शन है, इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद वॉल्यूम डाउन बटन को डबल बार प्रेस करके आप जो है कैमरा एप्लीकेशन को ओपन कर पाओगे, इसे भी ऐड किया गया है। तो इस तरह से सभी जो
ऑप्शन है अवेलेबल है MIUI 14 पोको एस के साथ, तो आप डेफिनेटली इस रॉम को ट्राई करके देखो आपके डिवाइस के ऊपर। इस रॉम का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, एंड पोको F1 का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके अलग अलग कस्टम रॉम का जो वीडियो है इसे आप चेकआउट करके देखो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।